नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं कनिका। बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां सरकार विकास के दावे कुछ भी कर ले, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सालय अपनी दशा पर आंसू बहाकर दम तोड़ने पर नजर आ रहा है। लगभग 35 वर्षों से जनपद में संचालित आयुर्वेदिक अस्पतालों की दशा संसाधनों के अभाव में दयनीय होती जा रही है। जिले में इन 42 अस्पतालों में सृजित पदों के सापेक्ष न तो डॉक्टर तैनात है और न ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अधिकांश अस्पताल तो किराए के भवन और ग्राम पंचायतों की अनुकंपा पर मिले भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। यहां तक कि विभाग के अफसरों का वाहन तक मुहैया नहीं कराया गया, ताकि वे अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था सुधारने का प्रयास कर सके। बता दें कि जिले भर में कुल 42 राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल हैं, जिनमें संसाधनों की नितांत कमी है और सरकार अपने विकास कार्यों का ढोल पीट रही है, लेकिन जमीनी धरातल पर उतरने पर पता चलेगा कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में आखिर क्या फर्क है। आपके वहाँ आयुर्वेद चिकित्सालय है और कितनी संख्या है और क्या स्थिति है? हमारे यहाँ कुल 42 चिकित्सालय हैं, जिसमें से 19 जो है अपने भवन में चलते हैं और 13 जो हैं वो किराए पे हैं, 13 पंचायत भवन में और 9 जो है ये किराए पे हैं, और एक निःशुल्क हाथ आता है। ये जो अस्पताल हैं, इनमें डॉक्टरों की संख्या क्या है और किस तरह जो है? कुल हमारे यहाँ डॉक्टरों की संख्या 34 है। किराए के भवन में या पंचायत भवन में चल रहा है, तो विभाग इसके लिए क्या कर रहा है? ऊपर जो है किस तरह की बातें हो रही हैं कि अभी तक पंचायत अभी हमारे निदेशालय में निदेशक से वार्ता हुई थी, तो ये प्रस्ताव चल रहा है कि हम अगर भूमि मिलती है, हम लोग प्रधान से संपर्क करके भूमि अगर मांग लेते हैं तो वहाँ फिर नया अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा और शासन के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद वो बनेगा।